15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। वजह सिर्फ संघर्ष नहीं है बल्कि चीन का धोखा है। चीन ने जिस तरह से धोखे से भारत के निहत्थे सैनिकों पर लोहे की रॉड कील लगे डंडों से वार किया, इस बर्बरता ने चीन के खिलाफ गुस्से को चौगुना कर दिया है। वो भी तब जब 1996 के समझौते के तहत दोनों देश LAC पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए लगता है अब चीन अपने सैनिकों को सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि हैवान बनाने की ट्रेनिंग देने लगा है। पीपल्स डेली की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के हथियार भारत के खिलाफ चलाने के लिए चीन तिब्बती लड़ाकों का सहारा ले रहा है, उन्हें सेना में शामिल कर रहा है। तिब्बत के पठार इलाके में रहने वाले ये लड़ाके चीनी सेना को नुकीली चीज या लाठी डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। छद्म युद्ध में माहिर चीन अब इन लड़ाकों का इस्तेमाल कर भारत की जमीन को कब्जाना चाह रहा है। बिना इन लड़ाकों के चीन ये युद्ध नहीं जीत पाएगा, क्योंकि भारत और चीन के बीच में विश्वास बढ़ाने के लिए 1996 और 2005 में एक समझौता किया गया था, जिसके मुताबिक दोनों पक्ष गश्त के दौरान आमना सामना होने पर एक दूसरे पर गोली नहीं चला सकते। साथ ही दोनों देश LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में गश्त के दौरान राइफल के बैरल को जमीन की ओर झुकाकर रखते हैं। दोनों देशों ने बिना सूचना के LAC के 10 किलोमीटर के भीतर सैन्य विमानों के उड़ान को भी प्रतिबंधित किया था। लेकिन अब जब चीन ने सभी नियमों की धज्जियां उड़ा ही दी है, तो भारत ने भी स्थिति के मुताबिक अपने जवानों को हथियार इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। भारत ने चीन के साथ लगने वाली 3,500 किलोमीटर की सीमा के पास अग्रिम मोर्चों पर तैनात थल सेना और वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। नौसेना लगातार हिंद महासागर में गश्त कर रही है, यानी कि अब चीन से निपटने के नियम बिल्कुल अलग होंगे। अब चीन के दुस्साहसी हैवानों को किसी समझौते के बल पर भारत अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अब चाहे सामने चीन के सैनिक हो या फिर कील लगे डंडों और रॉड से लड़ने वाले हैवान, भारत को अब चीन को उसकी असली जगह दिखाने से कोई नहीं रोक पाएगा।